गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 8 बज चुके हैं। नाश्ता वास्ता भी मैंने बना लिया है, मतलब सारा काम मेरा निपट चुका है। अब बचा है मेरा नाश्ता करना और मुझे जाना है भी घास काटने। तो नाश्ता मैं भी करूँगी थोड़ा रुक के। भैया सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं आई हूँ मशीन में कपड़े डालने, क्योंकि बच्चों की है स्कूल की आज छुट्टी। तो पहले मैं बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ, तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। तो यहाँ चलाई है मैंने मशीन, लाइट ऑफ कर देती हूँ और दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, मौसम कैसा हो रहा है देखना। तो देखिए मौसम कैसा हो रहा है। तो मौसम हो रहा है पूरा धुंध जैसा, मतलब जैसे ठंडियों के दिनों में कोहरा लगता है ना, वैसी मौसम हो रहा है आज। धुंध तो हो रखी है पर ठंडा नहीं हो रखा है, थोड़ा बहुत राहत है। नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, पर आज फिर भी ठीक हुआ है, बढ़िया मौसम। पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नवंबर के महीना लगा है। ये धान लगाने की तैयारी हो रही है, सब पानी भरा है। अब इसमें ट्रैक्टर से कीचड़ होगा, फिर धान लगेंगे। वो अब नीचे नाश्ता करने, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। अरे यहाँ देखिए फूल से पूरा हमारा पेड़ तो भर चुका है, और इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है, क्या ही बताऊं। कर लेती हूँ नाश्ता और घास काटने के बाद मैं आपसे मिलूंगी फिर। और शेरू हमारा वहाँ उधर दूसरी छत में सोया है। शेरू नाइट ड्यूटी से आया है, ऐसे सो रहा है। चलते हैं नाश्ता करने। तो जो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे उन्हें मैं धोने के लिए, मतलब छाने के लिए नीचे लाई हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े तो मशीन में साफ़ भी नहीं होते, और मतलब ड्रायर में कपड़े में सर्फ रह जाता है तो साफ़ नहीं हो पाते। तो उसने मतलब यहाँ डिग्गी चली है तो हम यहीं छान देते हैं। तो सारे कपड़े मैं यहीं लाई हूँ धोने के लिए। तो फटाफट से धोती हूँ कपड़ों को, फिर बच्चे भी बैठे नहाने के रेडी हो गए। तो यहाँ पे लब्बू मानसु की आज मस्ती हो रही है, फुल एंजॉय। बाल्टी क्यों ले रखी है? नीचे रख उसको, नीचे रख बाल्टी। तो यह है इनका स्विमिंग पूल, देसी स्विमिंग पूल गाँव का। मजा ले लो मानसु, हाँ। हनुमान बनिए मान। तो यहाँ पे गाने भी गाया जा रहा है। आ जाओ ठंडा बार बार। तो लबू मानसु नहा रहे हैं, तो मैं भी जाती हूँ नहाने, क्योंकि मैं पूरी भीग चुकी हूँ और आ चुकी है थोड़ा थोड़ा धूप। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे दिन का खाना, क्योंकि दिन का खाना मम्मी बनाती है। मैं बाहर का काम हो जाता है ना दिन में, घास काटना, तो मम्मी बनाती है। मम्मी ने बनाई है आज मसूर की दाल और उसमें दही डाल के। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो गाइस खाना खाने के बाद
मैं आ गई हूँ किचन में, सो गुड कह रही हूँ। अभी भी 3 बज रहे हैं तो मैं आई हूँ चाय बनाने। चाय बनाते हैं, चाय बनाने की खराब करते हैं क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। आप बहुत अच्छी नहीं लाई। पापा मम्मी के लिए निकाल लिए फीकी चाय क्योंकि वो फीकी पीते हैं। हम डालेंगे इसमें दूध अपने के लिए और फीकी चाय पीते हैं गुड़ की। तो यहाँ पे कट रही है हमारी दिन शाम के लिए सब्जी, कटहल की सब्जी। इसके पापा काट रहे हैं वो भी, क्योंकि कटहल मुझसे कटता नहीं है, मैं भी काटूंगी पर साथ साथ काटेंगे तुरु झले, वो छील देंगे, मैं सब्जी काट दूंगी। तो यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई, दूसरा तो गायब है यहाँ से। मानसु का क्या? तो अब बारी आई है गौशाला में जाने की, वहाँ पे झाड़ू लगाने की, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदा हो रहा था, गोबर ओबर कौन तो बहुत कर देते हैं गाय भैंस, तो वहाँ झाड़ू लगा लिया मैंने और दूध भी निकाल लिया है। तो बच्चियाँ बदी रह गई मेरी, उसको तो दूध पीने खोलती हूँ। तो ये हमारी कमली दूध पी रही है, ये बच्चा तो इस गाय का है हमारी, पर ये दूध दोनों का पी लेती है। बहुत देर तक गली रहती है ना, अपनी वीडियो बनाई जाए। इस बार का काम हमारा हो गया है, सभी गोट का काम मैंने सब कर लिया, धुआं धुआं भी लगा दिया है, बहुत गर्मी हो रही है। अब चलते हैं किचन में खाना बनाने की ओर। खाना ये बन रहा है, आपको पता ही है क्या बन रहा है? बन रहा है ये कटहल जो मेरे हस्बैंड जी ने काटा है, मैंने भी काटा है साथ में, पर ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम आधा बचा देंगे क्योंकि आप सोच रहे कितना कटहल खाते हैं। ये कटहल हमारे पड़ोसियों ने दिया हमें, कारण ना आजकल पक जा रहा जल्दी, तो इसलिए हमने पूरा काट लिया। तो इसे हम ऐसी मतलब बाद बुद्ध के पॉलीथिन में रख लेंगे फ्रिज में, तो ये ऐसे ही रहता है, कल को बनाएंगे सुबह नाश्ते में देखेंगे, क्योंकि वेस्ट भी नहीं करनी है। सब्जी वैसे ही बहुत महंगी हो रही है, तो चलते हैं बाहर को। तो आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। सेरू भी आ गया है। सेरू हाय बोलो, हाय बोलो। सेरू बोला मैं तो रही गई आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।